तोशा खाना केस, नैब रावलपिंडी ने इमरान खान को 9 मार्च को तलब कर लिया। गिफ्ट्स का रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। नैब ने काबीना डिवीजन और वजीर आजम ऑफिस से रिकॉर्ड हासिल कर लिया। बैरून मुल्क से भी मदद ली जाएगी। फौजदारी कार्रवाई के केस में इमरान खान पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हुई। पीटीआई चेयरमैन तलबी के बावजूद ना आए। मेडिकल बुनियाद पर इस्तस्ना मांग लिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर इमरान खान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। इमरान खान के खिलाफ शहबाज शरीफ की हक़ इज़्ज़त का केस, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के हक दिफा पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा, पूरे केस में इमरान खान का रवैया दानिस्ता नाफरमानी वाला था। इमरान खान ने कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल किया। हम इस केस में दोहरा मयार कायम नहीं कर सकते। काम में मुदाखलत, आफताब सुल्तान ने चेयरमैन नैब के अहदे से इस्तीफा दे दिया। वजीर आजम ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। आफताब सुल्तान का नैब अफसरान से खिताब। कहा, नैब में दीगर इदारों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक एक प्लॉट वाले को अंदर करने का कहा जाता है, अरबों वाले बाहर हैं। अफसरान सिर्फ कानून की सुने, किसी की मुदाखलत बर्दाश्त न करें। चेयरमैन नैब के इस्तीफे के बाद डी जी नैब लाहौर की तब्दीली का भी कभी इम्कान। पंजाब हुकूमत ने डी जी नैब लाहौर अली सरफराज की खिदमात मांग ली। चेयरमैन नैब का इस्तीफ़ा और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी इजलास बुला लिया। सीनियर रहनुमाओं की शिरकत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कल मजीद मुशावरत का फैसला कर लिया। एलामिया के मुताबिक अटर्नी जनरल और दो आइनी माहरीन से राय ली जाएगी। सेनेट और कौमी असम्बली में करारदाद जमा। सदर मुमलिकत को ओहदे से हटाने का मुतालबा। एलएनजी रेफरेंस में अदम पेशी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने वकला की दरख्वास्त मंजूर कर ली। साबिक चेयरपर्सन नोगरा उजमा आदिल के वारंट्स भी मंसूख। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक। वफाकी हुकूमत का कानून तोड़ने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला। राना सनाउल्ला कहते हैं, जेल भरो तहरीक का मकसद मीडिया की तवज्जो हासिल करना है। खवातीन और गरीब कारकुनों की गिरफ्तारी से गुरेज किया जाए। बलोचिस्तान के जिला बारखान में कुएं से खातून समेत 3 अफराद की लाशें मिली। जांबहा खातून की चंद रोज कबल वीडियो वायरल हुई थी। खातून ने सूबाई वजीर सरदार अब्दुलरहमान के तरान पर अगवा और अपनी बेटी को ज्यादती का निशाना बनाने का इल्जाम लगाया था। पुलिस के मुताबिक सूबाई वजीर की रिहायशगाह पर छापा मारा गया, लेकिन वहाँ कोई निजी जेल नहीं थी। बुरसा ने अभी मुकदमा भी दर्ज नहीं कराया। रियाद में सऊदी मीडिया फोरम का दूसरा दिन, प्रोग्राम के आलमी असरात के उनवान से सेशन। मुकर्रीन का शिकवा, कहा फिल्म और दीगर जगहों पर सऊदी अरब के बारे में मखसूस चीज़ें दिखाई जाती हैं। मशरक़ वुस्ता को नए यूरोप में तब्दील करने के मामले पर इतनी बात नहीं होती। और PSL 8 में आज लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। मैच शाम 7 बजे कराची स्टेडियम में खेला जाएगा। क्रिकेट के बड़े मेले की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन समा पर लेजेंड्स क्रिकेटर के सुपर तज्जिए।